उल्लासनगर शहर में आज 6 मार्च के दिन कोरोना के नए 9 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ शहर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 11,954 हो चुकी है। वहीं आज 6 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया है। इसी के साथ अब तक कोरोना मुक्त हुए लोगों की संख्या 11,390 पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना की वजह से अब तक 371 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय शहर के 193 मरीज एक्टिव हैं, जिनमें से कोविड केयर सेंटर में 31, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 59, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 1, होम आइसोलेशन में 69 व उल्लासनगर वनपा क्षेत्र के बाहर 33 लोगों का इलाज चल रहा है। आज जिन 9 मामलों की जानकारी हमें मिली है, उनमें कैंप नंबर 1 से 4 मामले शामिल हैं, जिसमें बेवस चौक के पास परिसर से 1, कला पैलेस के पास परिसर से 1, शहाट परिसर से 1 व रीजेंसी एंटीलिया परिसर से 1 मामला बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 2 से आज 1 मामला सामने आया है, जो झूलेलाल मंदिर के सामने परिसर का बताया जा रहा है। वहीं कैंप नंबर 3 व 4 से 1 भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं कैंप नंबर 5 से आज 4 मामले सामने आए हैं, जिसमें कुरला कैंप परिसर से 1, नीलकंठ नगर परिसर से 1, गायकवाड पारा परिसर से 1 व कैंप नंबर 5 का एक और मामला बताया जा रहा है। टाउन दर्शन इसी तरह से रोज़ आपको अपडेट देता रहेगा। ये अपडेट जानने के लिए जल्द से जल्द टाउन दर्शन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।